गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके, यस। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ क्लास 1, ओके? यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 1. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन चिल्ड्रन? सी, थ्री लिटिल पिग्स, ओके? हियर, सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू गिव यू सम गिविंग यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके? कि ये स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, ओके? इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें थ्री लिटिल पिग्स है, ओके? देयर आर थ्री पिग्स, दे थ्री ऑफ आर दे एक दूसरे की वो फ्रेंड्स है, राइट? सो दे आर फ्रेंड्स एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ देयर हाउसेस आर देयर, ओके? यस, सो नाउ सी ऑन द पेज नंबर 8, टेक आउट योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक, हैव यू ओपन? यस, सो यू हैव टू सी दिस पेज नंबर 8, थ्री लिटिल पिग्स, सो व्हाट इज रिटन? लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. Now see what is the first line. I will read, you will read with me, okay? Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. How many friends were there, children? There were three friends. What was the name of the three friends? One was Sonu, Monu, Gonu, right? What was the name again? Sonu, Monu and Gonu. There were three friends, okay? Three little pigs थे, तीनों के तीनों friend थे. So what was the name? Again repeat. You have to remember, हाँ, याद रखना है कौन-कौन से name थे. So Sonu, Monu and Gonu. Clear? Now see what is the next. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks. And Gonu lived in a house of bricks. Okay, so जो Sonu था, तीन friend में से, the Sonu was there. वो कौन से हाउस में रहता था? He was living in a house of straw. Straw means जो हम straw use करते हैं ना, when you drink juice or any coffee, yes or no? Yes, when you go out in a hotels, restaurants, right? You drink any juice or any coffee you drink, yes? Coconut water हम पीते हैं, तो उसमें भी हम straw use करते हैं ना? That is a straw. तो वो straw जैसे straw से जो house बना हुआ है, वो किसका है? That is the house of Sonu, right? नेक्स्ट क्या है? मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. सो वेयर डिड द मोनू लिव? ही लिव्स इन अ हाउस ऑफ द स्टिक्स. स्टिक्स मींस जो लकड़ियां होती है, राइट? सो उससे उसका हाउस बना हुआ है. एंड देन गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक. सो वेयर डिज द गोनू लिव? गोनू लिव्स इन अ हाउस ऑफ ब्रिक. ब्रिक मतलब जो ईंट से, जो पक्के मकान होते हैं, जैसे घर में हम रहते हैं वैसे ही घर में कौन रहता है? गोनू. क्लियर अप टिल दिस? नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस. तो एक दिन कौन आता है सोनू के हाउस पे? अ बिग बैड वुल्फ आता है. सो व्हाट डिड ही से? ही सेड आई विल पफ एंड हफ एंड आई विल ब्लू योर हाउस डाउन. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू डाउन द हाउस. सो जो बिग वुल्फ आया था, व्हाट डिड ही से? ही सेज दैट वुल्फ, व्हाट डिड द वुल्फ सेज? वुल्फ सेज टू द सोनू दैट आई विल ब्रेक डाउन योर हाउस. हफ एंड पफ मीन्स वो ऐसे करके फूक मारेगा, इस तरह से हफ एंड पफ करेगा एंड देन ही विल ब्रेक डाउन द हाउस ऑफ द सोनू, राइट? नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. सोनू रेन टू मोनूज हाउस. द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस. ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लू योर हाउस डाउन. सो अगेन जब ये लोग मोनू के हाउस पे आता है सोनू, तो वुल्फ क्या बोल रही है? अगेन वुल्फ सेज that I will huff and puff and blow down your house. Now see last line. So he huff and he puff Monu's house down. Okay, so you have to remember this story. Okay, I will ask to you. Yes, so you will remember this much. This we will learn in the next period. Okay, this much you have completed. Okay, so we will meet in the next lecture. Till that, bye bye. Thank you.